अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर अपॉन अनदर वेक्टर फाइंड की, जिसमें हमने वी की प्रोजेक्शन यू के ऊपर फाइंड की। ठीक है, हमने क्या फाइंड किया? प्रोजेक्शन ऑफ वी अलोंग यू। ठीक है, याद रखिएगा जिसके ऊपर प्रोजेक्शन बनेगी वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड नीचे आएगा। तो उसी तरह से अगर हम वेक्टर यू का प्रोजेक्शन निकालना चाहें उसके ऊपर, सिमिलरली प्रोजेक्शन ऑफ यू हम लिख सकते हैं, सिमिलरली प्रोजेक्शन ऑफ यू अलोंग, मतलब अगर उल्टा कर दें तो क्या आ जाएगा? यू डॉट वी डिवाइडेड बाय वी मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन बन रही होगी उसका मैग्नीट्यूड नीचे डिवाइड होगा, तो आप ये देख सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं एग्जांपल की तरफ। और एग्जांपल में हमारे पास कंपोनेंट की हवाले से एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल स्टेटमेंट देखेंगे कि शो दैट द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, शो दैट द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर आर द प्रोजेक्शंस ऑफ दैट वेक्टर अलोंग आई वेक्टर, जे वेक्टर एंड के रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो सबसे पहले इस स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं कि शो दैट द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स, कि जो वेक्टर के कंपोनेंट्स होते हैं आर द प्रोजेक्शंस ऑफ दैट वेक्टर। किसी भी वेक्टर का जो प्रोजेक्शन होता है वो क्या होता है? ऑफ दैट वेक्टर अलोंग के आई जे और के की डायरेक्शन अलोंग कितना उसका जो पार्ट है वो आ रहा है। ठीक है, द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर किसी भी वेक्टर के जो कंपोनेंट होते हैं प्रोजेक्शन ऑफ दैट वेक्टर, उस वेक्टर के प्रोजेक्शन होते हैं अलोंग आई जे और के में। ठीक है, तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि किसी भी वेक्टर के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं? उस वेक्टर की प्रोजेक्शन होते हैं अलोंग आई जे एंड के वेक्टर की डायरेक्शन में, या अलोंग का वर्ड आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने प्रूव करना है इसमें। तो उसके लिए स्टूडेंट हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक वेक्टर लेट कर लेते हैं। ठीक है, लेट करते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर वी है, स्पेस में वेक्टर हम कंसिडर कर रहे हैं प्लस सी के। ठीक है, ये हमने एक स्पेस में वेक्टर ले लिया। देन अच्छा, अब हम ये फाइंड करने जा रहे हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ वी अलोंग, हमने चूंकि ये प्रूव करना है ना कि वेक्टर की जो प्रोजेक्शन है वो बेसिकली क्या है, अलोंग आई जे के होती है, तो हम यही काम करेंगे। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर वी अलोंग आई वेक्टर। ठीक है, तो उसमें फार्मूले के थ्रू क्या आएगा जरा देखिएगा। जिनकी प्रोजेक्शन होती है सबसे पहले उनका डॉट लेते हैं, और फिर जिसके ऊपर प्रोजेक्शन आती है उसका मैग्नीट्यूड नीचे आता है। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ देखें वेक्टर वी जो है वो हमारे पास है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के डॉट आई वेक्टर, और आई चूंकि यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड वन आता है, तो नीचे लिखे ना लिखे बात एक ही है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ आई वेक्टर है तो इसका मतलब है कि जो जे वेक्टर का कंपोनेंट है, मतलब जे वेक्टर जीरो आएगा यहाँ पर भी, वो इस तरह से आएगा क्योंकि हमारे पास जे और के की टर्म मिसिंग थी। तो डॉट किस तरह से लेते हैं कि आई कंपोनेंट को आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर वी अलोंग आई वेक्टर इज
तो जरा डॉट लेंगे इन दोनों का तो ये आएगा यहाँ पर ए आएगा, ठीक है, क्या आएगा, ए आएगा। तो देखिए हमने इसमें प्रूव ये करना था, मैं स्टेटमेंट दोबारा आपकी तरफ ले जाता हूँ कि कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर शो दैट द कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर आर द प्रोजेक्शन ऑफ दैट वेक्टर, के कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, जो वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं, मतलब यहाँ आपको ए नजर आ रहा है, ठीक है, द कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर्स आर द प्रोजेक्शन ऑफ दैट वेक्टर्स, कि वो प्रोजेक्शन है किस उस वेक्टर के अलोंग आई जे एंड के। तो आप देख सकते हैं कि ये जो कंपोनेंट आया है ये प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर वी है अलोंग आई वेक्टर, तो ये बात जो है वो प्रूव होगी। अब बी जो है वो यहाँ पर जे के लिए आएगा, तो हम उसको भी चेक करते हैं। नेक्स्ट हम ये करेंगे कि प्रोजेक्शन ऑफ वी अलोंग जे, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर वी अलोंग जे, तो ये आ जाएगा, सॉरी, दोनों वेक्टर्स का डॉट आएगा डिवाइडेड बाय जे वेक्टर मैग्नीट्यूड आएगा। वी जो वेक्टर है हम लिखेंगे ए आई प्लस बी जे प्लस सी के एंड डॉट जे प्लस जीरो के, जे प्लस जीरो के, बल्कि आप इसको चलें इस तरह से लिख देते हैं हम, जीरो आई प्लस जे प्लस जीरो के डिवाइडेड बाय जे वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन होता है, यहाँ से बाकी जीरो हो जाएंगे तो बी आ जाएगा। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि प्रोजेक्शन ऑफ वी अलोंग जे वेक्टर, ठीक है, तो ये भी आपको नजर आ रहा है। अब सी के लिए आ जाते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ वी, प्रोजेक्शन ऑफ वी अलोंग के, वी डॉट के डिवाइडेड बाय के वेक्टर मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से ए आई प्लस बी जे प्लस सी के डॉट के वेक्टर, ये आएगा वन, यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। सो प्रोजेक्शन ऑफ वी अलोंग के जो है वो सी आ गया। तो ये बेसिकली इसमें हमने ये प्रूव करना था कि जो कंपोनेंट्स हैं, मतलब ए बी सी जो है वो बेसिकली प्रोजेक्शन ऑफ दैट वेक्टर्स अलोंग आई जे एंड के है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको समझ आ जानी चाहिए कि हमने यही बात तो है वो क्या कर दी है, प्रूफ कर दी है, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट हम अगले लेक्चर यही से कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।